प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हम सबकी चहेती नाजिया अली खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे भारतीय इकोनॉमी पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर भाई मैंने आपके साथ ही सेशन किया था और मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था आपको कि 2024 के स्टार्ट में ही आप सुन लीजिएगा कि भाई हमने आठ में हम पहुंच चुके हैं। और मुझे याद है बिल्कुल, मेरे शो में आपने बोला, मैं उस वक्त महाराष्ट्र में थी और हमने शो किया था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, जो मैंने जिम्मेदारी लेकर कही थी वो सामने आ गया। और आज फिर एक नई बात मैं आपको जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 2024 एंड होते होते तक 2025 के स्टार्टिंग में फिर मार्च में सुन लीजिएगा कि भाई हम और आगे निकल गए हैं, और आगे निकल गए। और अब यकीन है हमें, अब हमें यकीन है, नहीं हमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी जनरल, मुझे कोई डाउट नहीं है, हो सकता है आप लोगों को हो में नहीं। अच्छा, हालांकि देखिए ऑब्वियसली निर्मला सीतारमण जी से मैं बहुत बार मिली हूँ, और जिस हिसाब से मुझे उनसे नॉलेज मिलता है, जिस हिसाब से वो वेल एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड और हाईली नॉलेजेबल लेडी है, मतलब लड़कियां उनके जैसा होना चाहती हैं। और भारत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा कैबिनेट ऐसे ही तो नहीं दे दिया मोदी जी ने ना, बहुत सोच समझ करके निर्मला सीतारमण जी के हाथ में दिया गया है। और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन इतनी खूबसूरत तरीके से किया है कि जिसके लिए आई नो बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आई डोंट हैव वर्ड्स। और बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने सैटरडे वाले दिन, हालांकि मैं उस दिन वाइजैक में थी, सैटरडे वाले दिन उन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा कि भाई 31 मार्च जो है हम 8% इवन मोर देन 8% हम पहुंच जाएंगे, और वो हो भी गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब भी हमारे भारत में इन्फ्लेशन जो है इतना बुरा नहीं है, या बुरा नहीं है, दोनों चीजें नहीं है कि गरीब नहीं रह सकता। मैं अपने हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जब निकलती हूँ फकर भाई, तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में अभी भी वेज थाली में 60 रुपए में खाती हूँ, 60 रुपीज, ओनली 60 रुपीज। और हाँ, दो तरह की सब्जियां होती हैं, एक मिठाई होता है, एक पापड़ होता है, रोटी भी होती है, दो चावल भी होता है, दाल भी होता है। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर आप कलकत्ता हाई कोर्ट के बाहर आप आइए, आपको 40 रुपए में भी वेज थाली मिलती है, 40 रुपए, जबरदस्त, और प्रॉपर पेट भर करके इंसान खा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन आप 20 रुपए में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, 20 रुपए अगर आपके पॉकेट में है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बाद रेलवे के जो टिकट्स है वो भी उतना ज्यादा इन्फ्लेशन को टच नहीं किया, उतना ज्यादा महंगाई को टच नहीं किया। आज भी देखिए रमजान का महीना अभी चल रहा है, आज 21वां रोजा है, लेकिन हम अब भी मुट्ठी में पैसा लेकर जा रहे हैं और बड़े बड़े बक्से में फल लेकर के आ रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एडुकेशन यहाँ पर बहुत महंगा नहीं है। ओके, एडुकेशन महंगा नहीं है यहाँ पर, राइट। डिग्रीज जो है वो बहुत महंगी नहीं है यहाँ पर, वेरी गुड। तो ये चीजें क्या होती है हमारे देशवासियों के लिए, देशवासी जो है वो कैसे मोदी जी को, आपने क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की भी बात की और आज सुबह से ही मोदी जी ने कंपेनिंग में अपना पैर रखा है, कल तक वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, अपने दौरे को लेकर के वो अपनी बातों को रख रहे थे, और आज सुबह 10 बजे से उन्होंने कंपेनिंग को लेकर के कदम रखा है। तो अभी व्यक्ति क्या है ना, ये सोच रहा है कि हम 10 साल पहले क्या थे, हम 10 साल के बाद क्या है। 10 साल पहले हमारे भारतवासियों को ये पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी बन सकते, हमारे बच्चे चांद पे भी जा सकते हैं, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं, हमारे बच्चे फुटबॉलर भी बन सकते हैं, ये पता ही नहीं था लोगों को। अब लोगों को नई नई स्कीमें समझ में आ रही है कि भाई बच्चों के करियर सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में है। अब देखिए कुछ ऐसे स्टेट हमारे भारत के हैं जो हमारे GDP को और भी ज्यादा फाइन और रिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली, जैसे महाराष्ट्र, अकेला महाराष्ट्र
आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा अकेला महाराष्ट्र। अब आप सोचिए 1.25 करोड़ जो है पॉपुलेशन है वहां पर, उसके बाद ये सिटी एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव करती है, कल्चर को इम्प्रूव करती है, कमर्शियल सेंटर को इम्प्रूव करती है, डॉक है वहां पर, तो हर एक एंगल से वहां की जो जीडीपी, एक महाराष्ट्र की जो जीडीपी भारत के केंद्र की सरकार को आकर के मिल रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हिस्सा अदा कर रही है। और आप सोचिए कि सिर्फ एनुअल एक्सपोर्ट ओवर जो है वो 8,000 करोड़ से ऊपर है। जबरदस्त। अब आती है बात कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी, अब आप सोचिए। या एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आप सोचिए जो पहले मतलब जंग का और जिहाद का मैदान बना करके रखा गया था, बिल्कुल 2019 से भी हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि 370 उस वक्त बहुत गर्म माहौल था, 370 हटा था और काफी नाराजगी थी, लोग स्ट्रेटेजी बना ही रहे थे कश्मीर को गर्म करने का। तो मैं इसको काउंट करूंगी 2021 से, क्योंकि चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करने में 1.5 साल तो लगता ही है, बिल्कुल लगता है। 2021 से 2024 में 2.64 लाख करोड़ इन 2021 एंड 2022। अब आप सोचिए, इसमें थोड़ा सा और आप मिला दीजिए तो 24 का आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर वो स्टेट जो 10 साल पहले बिल्कुल धसा हुआ था, बिल्कुल मरा हुआ था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, और आज वो स्टेट खड़ा हो करके कह रहे हैं कि भैया हम तो केंद्र की सरकार का एक बड़ा पिलर बन चुके हैं। और कश्मीर से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वहां पर हॉलीवुड आकर के वहां पर शूटिंग करेगा, नेटफ्लिक्स की शूटिंग होगी, यहाँ तक के कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीरी पंडित के जो लोग बचे हुए हैं वहां पर, उनको हॉलीवुड में और नेटफ्लिक्स के शोज में उनको भी चांस मिल रहा है। या। और जिस तरह से वहां पर एम्स है, वहां पर फैक्ट्रीज है, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर MBBS कॉलेजेस है, वो सब खुले हैं, तो सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि देश तरक्की करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और 10 साल पहले जो देश भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़ा था, आज मेरा भारत देश बिल्कुल महाराजा बन करके खड़ा हुआ है। जबरदस्त। अब दिल्ली के मैं आपको बता देती हूँ, एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.3% एनुअल ग्रोथ। अब आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि दिल्ली की पुलिस का जो काफी चीजें जो है वो केंद्र की सरकार के अंडर करते हैं, बिल्कुल। दिल्ली राजधानी है, इसलिए दिल्ली की सरकार के हाथ में सिर्फ कॉर्पोरेशन आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, संविधान यही बोलता है। अब आप देख लीजिए, राजस्थान 7th पोजीशन पर है जीडीपी, और ये सिर्फ मात्र एक साल की बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले राजस्थान मर रहा था, इससे पहले भीख मांग रहा था, अब ये एक साल में 7th पोजीशन पर है। अब देखिए आप आसाम का देखिए, पूरे भारत में 6th पोजीशन पर है। गुड, राइट। तो ये अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि जहां पर टूरिस्ट 35,000 और 36,000 आते हैं, वहां पर 2.5 करोड़ टूरिस्ट आएंगे। बिल्कुल। टूरिस्ट का जब स्टेप इन होता है तो लैविश रेस्टोरेंट्स, लैविश होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी हर चीज चलने लगती है उसके साथ, एयरपोर्ट, सारी चीजें इंप्रूव और डेवलप होती चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मेरे पास पूरे 28 स्टेट की जीडीपी है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, और ओवरऑल अगर 8 ग्रोथ चल रहा है तो लाजमी सी बात है कि इंडिया के ज्यादातर स्टेट जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो 8 ग्रोथ रेट है। वैसे तो नहीं है कि ये वैसे हो गया। अच्छा नाजिया, एक चीज मुझे मतलब इस वक्त दुनिया को जब हमने अभी 1-2 साल पहले भी देखा तो बड़ी मतलब परेशानियों में है, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी जिम्मेदारी किसी और की, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मैं कहूंगा कि हमारी अडारामी कह दें या जो भी कह दें, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे, वरना तरक्की तो बांग्लादेश ने भी की 1971 के बाद, इंडिया ने बहुत ज्यादा कर ली। अब इवन अफगानिस्तान को लोग कह रहे हैं कि भाई वो उनका पैसा जो है और वो स्ट्रांग हो रहा है, उनका रुपए और सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर नहीं की तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, हमारे अलावा, हमारी पॉलिसीज के अलावा। लेकिन ऐसी क्या चीज है, जिस तरह आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया कि उन्होंने अपना कैंपेन का आगाज कर दिया आज, कि वो ऐसी क्या चीजें कर पाए अपनी 2 टेन्योर्स में कि अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को
और अपनी चीजों को, अपने इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना ऊपर लेके आ गए। देखिए फकर भाई, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ बाप को भी नहीं समझ में आता है कि बड़ा होकर के नेवी ऑफिसर बनेगा, ना आर्मी ऑफिसर बनेगा, या टीचर बनेगा, या कुछ नहीं करेगा। Exactly. माँ बाप को भी नहीं समझ में आता है। वो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके ऑरा को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी क्रिएटिविटी को देख करके समझ में आ जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को ये बात मोदी जी को पता थी कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतिहास के पन्नों में साफ लफ्जों में लिखा हुआ था कि मुगलों ने भारत को लूटा है और भारत को डेवेस्टेट और रुइन करने की बहुत कोशिश की है। उसके बाद फिर जब हम लोग कांग्रेस का पूरा ईरा निकालते हैं, तब भी हमें समझ में आता है कि नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक हर उस प्रोजेक्ट्स को रोका गया, हर उस अमेंडमेंट्स को रोका गया, हर उस इम्प्लीमेंटेशन को रोका गया, हर उस स्टेप को रोका गया जिसमें भारत की तरक्की छुपी हुई थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा, भारत की बेटी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि नाज़िर अली खान जी ने चर्चा की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेके हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। जैसे कि आपने देखा, नाज़िर खान जी ने फखर यूसुफ़ज़ई के सामने बोला कि एक महाराष्ट्र 20 पाकिस्तान को खरीद सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।